Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. आज गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को 2 मिनट का मौन धारण करने का निर्देश राज्य सरकार के स्तर था। उसी के अनुरूप आज 2 मिनट का मौन धारण किया गया और आज गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के सभागार में भी एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गांधी जी के जीवन, व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा पर चर्चा की जाएगी। प्रेरित कर रहा है मौजूदा समय के अंदर जो वर्तमान शासक हैं हमारे, वो गौड़ से वाद की नीति को तो आगे बढ़ावा दे रहे हैं और मजबूरी के अंदर गांधीवाद का झंडा उठाए हुए हैं। जिस तरीके का माहौल आज देश के अंदर बना हुआ है, धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती चली जा रही है, लोग गांधी दर्शन को भूल रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम सबके अंदर जो है आपस के अंदर प्रेम हो, धार्मिक रूप से हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं हो, धार्मिक रूप से हमारे बीच के अंदर कोई बैर नहीं हो। मगर आज के जो शासक हैं वो अपनी नीतियों से धार्मिक बैर को बढ़ाने के अंदर रात और दिन एक किए हुए हैं। पूरे देश में जगह जगह के ऊपर CAA को लेकर के, NRC को लेकर के, जिस प्रकार से NPR को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, प्रदर्शन हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था चकनाचूर है। देश का नौजवान यूनिवर्सिटी के कैंपसों के अंदर आंदोलनरत है, बेरोजगार सड़कों के ऊपर भटक रहे हैं। ये सब जो हो रहा है ये एक सोची समझी रणनीति के तहत, जैसे मैंने कहा कि ये गौड़ से वाद को, कि जिसके अंदर आपस में आप भाईचारे का स्थान नहीं और अपनी उग्र नीतियों को लेकर के आप लागू करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि पूरे देश में जगह जगह के ऊपर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप लगाया जाता है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो है NRC शुरू करा। NRC को शुरू करने के लिए जो आपने उसके अंदर क्लॉजेस डाले, धार्मिक भेदभाव जो करा, आप विडम्बना देखिए कि आसाम के अंदर आज 14 लाख लोग जो हैं इस NRC के चलते वो इस बात के ऊपर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हम अपने पुरखों के समय से यहाँ रह रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई तुम कहाँ के हो। मतलब स्थिति ये हो रही है कि आप कहो कि ये हिंदुस्तान मेरा है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। अब तो ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारा बाप हिंदुस्तान का था, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। तो इस तरीके की जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां जानबूझ करके जो पैदा करी गई है, वो किसी भी सूरत के अंदर गांधीवाद का या गांधी दर्शन का द्योतक नहीं है, ये बिल्कुल उसकी उलट तस्वीर है। तो ये शायद आज गांधी जी की आत्मा को सबसे बड़ी जो तड़प होगी, जो सबसे बड़ा कष्ट हो रहा होगा, वो उन्हीं गुजरातियों को देख करके हो रहा होगा कि जहाँ से गांधी जी ने तो दिया भ्रातृत्व भाव का संदेश, अहिंसा का संदेश, और उसी गुजरात प्रदेश से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरे देश के अंदर लोगों को उग्र बनाती चली जा रही है। तो ऐसा जो ये विडंबनापूर्ण माहौल इस देश के अंदर है, इसके लिए हम सोचते हैं कि आज गांधी जी को सही मायने के अंदर श्रद्धांजलि तभी होगी कि हम गांधी दर्शन को याद करें, उनकी नीतियों के ऊपर चलें, हम धार्मिक रूप से किसी को बांटें नहीं, हम संविधान की गरिमा को माने और संविधान की व्यवस्था को माने, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत इस देश को अखंड बनाए रखते हुए हम जो है अपनी शासन व्यवस्था को चलाएं। ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज देश के सामने मौजूद है। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि पर अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे माननीय हमारे वरिष्ठ नेतागण और सभी हमारे साथियों की उपस्थिति में यहाँ माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके 2 मिनट का मौन रखकर यहाँ रघुपति राघव राजा राम की धुनी से हमने जो है उनको याद किया और उनकी जो सदाकत है, जो उन्होंने हमारे देश के लिए उपकार किया है, उस उपकार को कभी देश का कोई नागरिक ना तो भूल सकता है ना भुला सकता है। चाहे कोई सी भी पार्टी किसी भी स्तर पर सत्ता में हासिल कर ले, लेकिन निश्चित तौर पर महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा का मार्ग अपनाकर हमारे देश को जो आज़ादी दिलाई और आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब गांधी जी का हम पे उपकार है कि उन्होंने हमारे को यहाँ आज इस वातावरण में जीने के लिए आज़ादी की जो हमें यहाँ आज हमें माहौल दिलाया और आज हमारे बच्चे और हम लोग जिस यहाँ माहौल में पल रहे हैं, निश्चित तौर पर महात्मा गांधी जी का उपकार कभी देश का नागरिक नहीं भूल सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को एक बार पुनः सशत नमन, सशत वंदन।